हम देखिए हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते, जवाब हम नहीं देना चाहते। इस सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बात है। इस सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बात है। कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहे, ये कोई एजेंडा है क्या? ये कोई एजेंडा है क्या? तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कहा, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए वो सब कोई बात। एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि वो जदयू को जवाब देना जरूरी नहीं समझते, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जैसा डिप्टी सीएम ने कहा वही सही है। इस महागठबंधन को समझना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। नमस्कार, आप आईवी टीवी देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। बिहार की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बयान ये दिखा गया कि जदयू और आरजेडी में कितना ज्यादा मोहब्बत है, या यूं कह लीजिए कि ये महागठबंधन कितनी मजबूती से चल रहा था इसका सबको पता लग गया। क्योंकि जदयू जहां एक तरफ आरजेडी से जवाब मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज अपने बयान में तेजस्वी यादव ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनको जदयू को जवाब देना जरूरी नहीं लगता। पहले आप सुनिए कि तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि जदयू शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है, तो तेजस्वी यादव ने कैसे ये कह दिया कि हम इसको नोटिस में नहीं लेते हैं। कार्रवाई की हम लोगों ने, जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करने की। हम देखिए हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। इस सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा भाई, ये कोई एजेंडा है क्या? तो आपने सुन लिया कि तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ ये कहा है कि वो जरूरी नहीं समझते जदयू को जवाब देना, तो वहीं दूसरी तरफ आज बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार ने ये कहा था कि डिप्टी सीएम ने भी ये कह दिया है कि वो हर धर्म का पालन करते हैं और इस बात को इतना ज्यादा तुल नहीं देना है, तो इस बात को तुल नहीं दिया जाएगा। कुछ भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है, कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीज़ों पर कुछ ही नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए वो सब कोई बात। आप इन दोनों ही बयान से इतना स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल अभी शिक्षा मंत्री पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होने नहीं जा रही है और ना ही वो बिहार के कैबिनेट से हटाए जाने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए कि जहां एक के बाद एक जदयू के बड़े नेता ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और राजद के उन तमाम नेता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो नीतीश कुमार को भला बुरा कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये सब बात उतना जरूरी ही नहीं है, ये तो कोई एजेंडा ही नहीं है। इस सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा भाई, ये कोई एजेंडा है क्या? तो जरा सोचिए कि ये महागठबंधन कितनी मजबूती से चल रही थी और कब तक इसी मजबूती के साथ बिहार में चलेगी। सवाल आपके लिए था, जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर में इतना ही, आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आईवी टीवी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।